चलधर सदंभो लयेरीर्ण वीक्ष्णयति भुजंगे सतल्पे शयायार्कचंद्र द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। प्रार्थना की। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, आप मदस्य कुर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्यत और दुख को दूर करने वाले, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप धारण करके आप जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी के प्यारे, असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़ करके चलने वाले हे पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि क्रियाओं जो यज्ञ आदि क्रियाएं हैं उनका परिपाक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वस्त करने वाले और क्या दुख रूपी पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग रूपी सैया पर शयन करने वाले और सूर्य चंद्रमा स्वरूप दो नेत्रों वाले हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। तीन श्लोक तो हैं जिसमें भगवान का गुणगान किया, लेकिन तीन श्लोक स्तोत्र रूप में हैं और इन तीन श्लोकों को यहां पर नाम दिया गया संकट नाशन स्तोत्र। तो नारद जी कहते हैं कि संकष्ट नाशनम स्तोत्रम एतद्यस्तु पठेन्नरः स कदाचिन् न संकटेः पीड्यते कृपया हरिः। कि जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कभी भी पीड़ित नहीं होगा, अर्थात कभी भी दुखी नहीं होगा। इसको पढ़ने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं ने यह स्तुति की है भगवान। तो नारद जी कहते हैं कि तब क्रोधित और खेद युक्त होकर के, क्रोध भी है और दुखी भी है, भगवान शिखर गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। क्रोध भगवान को आता है जब कोई देवताओं को पीड़ा पहुंचाता है, निर्दोषों को, निर्दोष मनुष्यों को भी कोई पीड़ा, उनके भक्तों को भी पीड़ा पहुंचाता है तो भगवान को दुख आता है, क्रोध आता है। और दुख साथ साथ कब, कि जब कोई उनका ही हो। हाँ, वैसे तो सब भगवान के। अब जलंधर ये संबंधी भी है तो भगवान कुछ दुखी हैं, कुछ क्रोधी हैं, क्रोध में है, गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। लक्ष्मी से कहते हैं कि जालंधरेन ते भ्राता देवानां कदनं कृतं तैर आहूतो गमिष्यामि युद्धायाद्य परान्वितः। जब आरूढ़ होकर के चलने लगे तो लक्ष्मी जी से बोले कि जो तुम्हारा भाई जलंधर है इसने देवताओं को बड़ा पीड़ित किया है, बहुत दुख दिया है और देवताओं ने मुझे बुलाया है, तो मैं अब युद्ध के लिए जाऊंगा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि अहम ते वल्लभानाथ भक्ताचार्य यदि सर्वदा तद कथम ते मम भ्राता युद्धे वध्य कृपा निधे। महाराज
मैं तो सदा आपकी भक्त हूँ, मैं आपकी प्यारी हूँ, वल्लभा हूँ। तो फिर हे कृपा निधे, हे कृपा के निधि, कृपा के समुद्र, मेरा भाई क्या आपके हाथों से युद्ध में मारा जाना चाहिए? क्या वो आपसे मरने योग्य है? भगवान कहते हैं कि रुद्र के अंश से उत्पन्न होने के कारण और ब्रह्मा के वरदान के कारण और तुम्हारी प्रीति, तो इन सब कारणों से वास्तव में जलंधर जो है वो मेरे से मरने योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी युद्ध तो करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, देवताओं ने प्रार्थना किया, बुलाया। तो ऐसा कह करके गरुड़ पर सवार होकर के शंख चक्र गदा और नंदक नाम की तलवार लेकर के खड़ग लेकर के भगवान वहां पहुंचे जहां की देवता स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और इसके बाद जो है इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंखों के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए और दैत्य जो है आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गए थे तो गरुड़ के पंखों के कारण वो राक्षस जो है बादलों की तरह उड़ने लगे। जलंधर ने देखा कि दैत्य जो है आप बड़ी तेज हवा से पीड़ित हो रहे हैं, पवन से पीड़ित हैं, उसको बड़ा क्रोध आया और क्रोधित होकर आकाश में उछल करके विष्णु जी के समीप आए और आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण उड़ित करते हुए भगवान तथा उन दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र, धनुष, घोड़े सब काट दिए, उसके हृदय में भी एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य भी गदा हाथ में लेकर के अति शीघ्र उछल करके गरुड़ के मस्तक पर प्रहार करके उनको पृथ्वी पर गिरा देता। देखो भगवान विष्णु को पता है ये मेरे हाथ से मरने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान आए और उसे युद्ध भी कर रहे हैं। विष्णु ने हंस करके, भगवान विष्णु जी ने हंस करके उसकी गदा को अपने खड़ग से काट दिया। उसने भी भगवान विष्णु के हृदय में एक प्रबल घूसा मारा और इसके बाद वे दोनों जो है बलि बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। बाहुओं से, घूसों से और घुटनों से पृथ्वी को सबदाय मान करते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों ने बहुत देर तक बड़ा सुंदर युद्ध किया। युद्ध भी सुंदर होता है, हाँ, छल रही थी युद्ध हो और मर्यादा में हो उसको सुंदर धर्म युद्ध नियम और नियमों में जब चले सब खेल के समान, और भगवान यहां खेल के समान ही क्रीड़ा भी कर रहे हैं किसी से। तब प्रताप मान विष्णु जो है मेघ के समान गंभीर वाणी में करते राज से बोले, क्या बोले? वरम वर्य दैत्येन्द्र प्रीतोऽस्मि तव विक्रमात् अदेयमपि ते ददमि यत्ते मनसि वर्तते। हे दैत्येन्द्र, दैत्यों के राजा, तुम वर मांग, क्योंकि मैं तेरे पराक्रम से, तेरे बल से, तेरी युद्ध नीति से प्रसन्न हूं, और यदि कोई नया मेरे योग्य वस्तु है और तेरे मन में उसको पाने की इच्छा होगी तो वो भी मैं तुमको दे दूंगा, अर्थात जो चाहे वर मांग ले, भगवान ने कहा। अब देखिए जलंधर भी
चाहे युद्ध ही किया लेकिन संसर्ग तो भगवान का किया, सामने तो भगवान है, भगवान को देख तो रहा है, वो देखने वाले से क्या फर्क, क्या प्रभाव हुआ, बुद्धि शुद्ध हो गई। और बड़ा सुंदर वर मांग रहा, यदि भावुका दुष्टोसी वरमेकं ददस्व मे मद भगिन्या सहाद्य त्वं मद गृहे शैगणोऽवसा। और कुछ नहीं मांग रहा, ऐसे ही पूर्णता है। जलंधर को पता है, ज्ञात है क्या मांगना है। कहा कि हे भगिनी पति, उनकी बहन के पति है ना, याद है स्वामी, कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। और वह यह है कि आज आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित मेरे घर में वास करें। इतना सुंदर वरमान, उनको पता है भगवान आ गए तो सब कुछ आ गए। नाथ कहते हैं कि भगवान ने कहा तथास्तु, तथास्तु, ऐसा कहकर के भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी जी सहित जलंधर के नगर को गए। अर्थात उसके महल में रहने लगे। महाबाहु जलंधर जो था फिर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित करता है, जो देवताओं के अधिकार थे, जैसे सरकार बदलती है, स्वर्ग में सरकार आ गई है जलंधर की, वो सरकार बदलने के बाद क्या करते हैं, शासन जब बदलता है सारे मंत्री मंडल का विस्तार बदलाव होता है, तो वैसे ही अलग अलग विभाग जो थे, वित्त मंत्रालय था, कोई विद्युत विभाग, वायु का पद था, कोई मेघों का था, वर्षा का, कृषि मंत्री, जल मंत्री, सब अधिकारों पर देवताओं की जगह उसने दैत्यों को बिठा दिया, काम सौंपे। और जो भी देवता गंधर्व सिद्ध इन सब के पास जो कुछ भी रत्न थे, जो सर्वोत्तम वस्तुएं थी, अच्छी वस्तुएं थी, उनको अपने वश में करके सागर नंदन जो जलंधर है अब राजा बन करके बैठ गया, राजपाट करने लगा। अब देखिए जब भगवान पास में होते हैं, भगवान पास होने का केवल अनुभव मनुष्य करता है कि हाँ मेरे घर में भगवान है, तो भगवान सबके पास आ जाते हैं। और जब जीवन में भगवान आते हैं तो फिर जलंधर भी कैसा राज्य करता है, शासन नीति उसकी कैसी होती है। देव गंधर्व सिद्धाद्यां सर्प राक्षस समासुरं समानुषं स्वपुरे नगरान कृत्वा सहसास भुवनत्रयम्। कि देवता गंधर्व और सिद्ध आदि को, इनको और सर्प राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने कुल का नगरवासी बना करके तीनों लोकों का राज्य करने लगा। उसकी जनता क्या है, देवता भी है उसमें, गंधर्व भी है, सिद्ध भी है, सर्प राक्षस मनुष्य सबको अपनी प्रजा मानता है और तीनों लोकों का शासन करता है। और कैसे, कहा कि जलंधर कृत्वा देवान स्ववर्तिनः, विशेष ध्यान देने की बात कि धर्मेण पालयामासः प्रजा पुत्र निवौदसान। तो इस प्रकार जलंधर जो है देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से और अपने पुत्र के समान पालन करता था।
यही शासन की नीति है कि सारी प्रजा को अपने पुत्र के समान, अपनी संतान के समान समझ करके शासन। तो जलंधर के धर्मराज्य के समय वो जिस, जब ऐसा धर्मराज्य होता है, धर्म की मर्यादा में कोई शासन करता है, तो जनता के साथ क्या होता है, उस देश में क्या होता है, कहा कि कश्चित् व्याधितो नैव दुखिता न कृशस्तथा न दीनो दृश्यते तस्मिन् धर्माद् राज्यं प्रशासति। जलंधर के धर्म राज्य करने के समय फिर ना तो कोई रोगी है उसके राज्य में, उसके शासन में उसकी जनता को कोई रोग नहीं है, बीमारियां नहीं, ना कोई दुख है, ना कोई दुर्बल है, कोई दरिद्र भी नहीं है, जो संतान की तरह पालन कर रहा है, तो सबका ध्यान रख रहे हैं, कोई दरिद्र दिखाई नहीं देता था, अर्थात राज्य में सारी प्रजा जो है आनंद से समय व्यतीत कर रही थी। और फिर आगे नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे चलता रहा काफी समय, फिर एवं महीं शासति दानवेन्द्रे धर्मेण सम्यक् चैद्रिक्षयाहम् कदाचिदागामथ तस्य लक्ष्मीं विलोकितुं श्रीरमणं च सेवितुं। ठीक है, बड़ा अच्छा शासन चल रहा है जालंधर का, निरंतर बहुत समय तक चलता रहा। उसके बाद नारद जी कहते हैं कि एक दिन फिर मैं उस दानवेंद्र के धर्म राज्य को देखने के लिए, उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए, और विशेष कारण क्या, भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए मैं वहां एक बार गया। अब जब नारद जी आते हैं, यहां पहुंचते हैं, तो वहां एक रास्ता नहीं रहती, जैसा चल रहा हो फिर वैसा नहीं रहता, फिर उसमें बदलाव आता है परिस्थिति में। बदलाव तो अच्छे के लिए ही होता है। जहां भी नारद जी जाते हैं वहां परिवर्तन आ जाता है, एक लहर आती है परिवर्तन की, बदल जाता है सब कुछ। पहले जैसा होता है नारद जी के पहुंचने के बाद फिर वहां वैसा नहीं रहता, ऐसा कुछ हो जाता है। बहुत प्रसंग, बहुत पुराणों में यही है। और अब नारद जी यहां आए हैं उसकी राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए, दानवेंद्र जलंधर के जीवन में आए हैं, उसके महल में आए हैं, तो क्या परिवर्तन होगा, ये अगले 12वें अध्याय का विषय रहेगा। यहीं पर 11वें अध्याय को विश्राम देते हैं। बोलिए कार्तिक मास की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय, सभी सिद्धों की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सभी कथा सुनने वालों की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सम्मान हो, विश्व